हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट बाय योर हैप्पी सोल। टुडे वी आर गोइंग टू मेक 4 DIYs फॉर वैलेंटाइंस डे। ये सभी DIY बहुत ही इजी, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल हैं। आई होप यू विल लाइक इट। हम सबसे पहले जेसो और वुडन प्लैंक लेंगे हमारी फर्स्ट DIY के लिए। जेसो एक तरह का प्राइमर होता है और इसको लगाने के बाद आपके जो कलर है वो ईजिली अप्लाई हो जाते हैं आपकी सरफेस पे। आप में से शायद कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा कि विदाउट जेसो अगर आप कोई कलर यूज़ करते हैं तो वो सरफेस पे से निकलने लगते हैं। जेसो किसी भी सरफेस पे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, मेटल एक्सेट्रा। जेसो लगाने के बाद आपके कलर्स भी नहीं निकलते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। इस वुडन प्लैंक पे मैंने 2 कोट जैसो के लगा लिए हैं बहुत ही अच्छे से। अब इसको हम अच्छे से ड्राई होने देंगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। जैसो कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब हम एक स्टेंसिल और मॉडलिंग पेस्ट की हेल्प से कुछ पैटर्न ड्रॉ करेंगे हमारे वुडन सरफेस पे। मैं सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप कुछ खरीदना चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इट्सी बिट्सी की साइट से खरीदना चाहते हैं तो आप वहां पर मेरा कूपन कोड VJA5 दैट इज़ VIJAYA5 यूज़ कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने से आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक इट देयर। हम एक्स्ट्रा मॉडलिंग पेस्ट को गीले में ही निकाल देंगे। यहाँ पे मैं ये वाला डेकोपाज टिश्यू यूज़ करने वाली हूँ। इसको मैंने इट्सी बिट्सी से लिया था। इसमें से मैं ये एफिल टावर वाला पोर्शन निकालने वाली हूँ। इसको मैं एक वेट ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे से निकालूँगी। इस तरह से ये बहुत नाइसली निकल आता है, अदरवाइज इसके फटने का डर होता है। इस तरह करने से बहुत ईजली ये निकल आएगा। और थोड़ा सा हमें रफ लुक भी चाहिए होता है जिससे देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे ये 3-ply का नैपकिन पेपर है, इसमें से हम इसकी फर्स्ट लेयर को निकालेंगे और उसको यूज करेंगे लाइक दिस। इसको हम डेकोपाज ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। ये ग्लॉसी फिनिश में है। ध्यान रखें कि इसमें कोई बबल्स नहीं आए। इसको धीरे धीरे करें। इसके बाद मैं एक स्पॉन्ज डॉबर की हेल्प से इसको धीरे धीरे से प्रेस करूंगी जिससे ये अच्छे से स्टिक हो जाए। और एक और कोट ग्लू का लगाऊंगी, इससे ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चॉक पेंट लेंगे सेल्सा रेड और बबल गम शेड में। Look at this guys, ये शेड्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इन लीव्स का टाई की हेल्प से कुछ लीव्स कट कर लूंगी नाउ। और ये वाले फ्लावर्स यूज करूंगी फॉर दिस प्रोजेक्ट। लीव्स को और फ्लावर्स को अरेंज करके इनको सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दूंगी।
इसके बाद मैं ट्रू लव एम्बेलिशमेंट में से कुछ एलिमेंट्स को निकाल कर यहाँ पर स्टिक करूँगी, जैसे लव, ये कपल एक्सेट्रा। इसके बाद मैं ये गोल्ड मेटालिक वैक्स यूज़ करूँगी हमारे पैटर्न के ऊपर और हार्ट के बाहर के साइड में इसको हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसके बाद हम सॉफ्ट जेल की हेल्प से गोल्डन एंड पिंक मेटल बीट्स को लेफ्ट साइड में डेकोरेट करेंगे लाइक दिस। Now our product are ready. For our next project, I am going to use this washable pen stand and decoupage rice paper. इसमें से मैं अपनी चॉइस के दो पोर्शन को टियर कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर दूँगी लाइक दिस। इससे क्या होगा कि ये इजली स्टिक हो जाएगा और इसमें बबल्स नहीं आएंगे। और उनको डेकोपाज ग्लू की हेल्प से दो डिफरेंट साइड्स पे स्टिक कर दूँगी। इसके साइड में कलर करने के लिए मैं दो चॉक पेंट को मिलाने वाली हूँ, बटर मिल्क एंड चॉकलेट ट्रफल। इन कलर्स को मैं मिक्सिंग प्लेट में ऐड कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें रेनी डे चॉक पेंट ऐड करूँगी जिससे मुझे परफेक्ट कलर मिल जाएगा। फॉर अदर टू साइड्स के लिए मैं क्रैकल इफेक्ट क्रिएट करूँगी, जिसके लिए मैं क्रैकल मीडियम और दो चॉक पेंट यूज़ करूँगी, बबल गम और साल्सा रेड। फॉर फर्स्ट बेस के लिए मैं साल्सा रेड कलर यूज़ करूँगी। बेस को ड्राई होने के बाद अब हम इसमें वन स्टेप क्रैकल मीडियम यूज़ करेंगे। क्रैकल मीडियम को थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में यूज़ करना चाहिए जिससे क्रैक्स अच्छे आए और थोड़ा उभर के आए। क्रैकल मीडियम के कंप्लीटली ड्राई होने के बाद हम सेकंड कलर एज अ टॉप कोट यूज करेंगे। नाउ यू कैन सी क्रैक्स अपीयर होने लगे हैं। वाओ, लुक एट दिस क्रैक्स, अमेजिंग। ना हमारी जो फर्स्ट टू साइड थी जहाँ पे हमने डेकोपाज किया था, वहाँ पे इस क्लियर स्टैम्प और ये आर्काइवल इंक अरेंजर का उससे थोड़ी थोड़ी सी स्टैम्पिंग करेंगे साइड में। ये सेपिया कलर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इसको दोनों साइड में स्टैम्प से स्टैम्पिंग करूँगी। इसके बाद मैं कुछ पर्ल ड्रॉप लेकर यहाँ पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन और डेकोरेशन कर दूंगी। लास्ट में मैं गोल्ड पोस्का मार्कर से फ्लावर्स को हाईलाइट कर दूंगी।
फाइनल स्टेप में मैं वार्निश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ये लिटिल बर्डी का ग्लॉस फिनिश वार्निश है। ना हमारा सेकंड प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया है, लुक एट दिस। इसके बाद फॉर थर्ड DIY मैं ये आर्काइवल इंक का डेजी पेटल शेड ले रही हूँ, एक पुराना मोबाइल कवर जो मेरे पास पहले से था। और ये इट्सी पिट्सी ने न्यूली लॉन्च किया है टेको मैजिक ट्रांसफ़र शीट करके, उसको यूज़ करूँगी। इसके पीछे सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसका प्राइस आई थिंक 99 rupees है। आई विल शेयर ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक देयर। पहले हम मोबाइल कवर के पीछे दो कोट करेंगे मल्टी सरफेस आर्काइवल पेंट के। जब तक ये ड्राई होगा तब तक हम अपनी डिज़ाइन को कट कर लेंगे इस शीट में से। इस शीट में से मैंने ये क्लॉक वाला पोर्शन कट किया है और एक बर्ड का इमेज कट किया है। इसके बाद मैं इस कटिंग में से ये ट्रांसपेरेंट कवर होता है उसको निकाल के इसको मोबाइल कवर के पीछे स्टिक करूँगी। थोड़ा सा प्रेस भी कर दूँगी जिससे ये अच्छे से स्टिक हो जाए। इसके बाद मैं एक स्पॉन्ज में थोड़ा सा वाटर लेके इसको डैब 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 करूँगी जिससे ये इमेज थोड़ी वेट हो जाए। जब ये कम्प्लीटली वेट हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा करके एक वाइट कलर का कवर है उसको निकालूंगी इस तरह। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इमेज स्टिक हो गई है। अब हम बर्ड को भी इसी तरह स्टिक कर लेंगे। इसके बाद हम स्टैम्प से इस पर आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू स्टैम्प कर लेंगे। लास्ट में हम इमेजेस के ऊपर वार्निश यूज़ करेंगे और हमारा थर्ड DIY भी रेडी हो गया है। अभी हमारे फोर्थ DIY के लिए हम ये वाइट कलर का कार्ड स्टॉक लेंगे। ये 200 GSM है। इसको कट करके इसमें से हम एक ग्रीटिंग कार्ड निकाल लेंगे और इस तरह इसको फोल्ड करके ग्रीटिंग कार्ड का शेप दे देंगे। यहाँ पे मैं कार्ड के अलावा क्लियर स्टैम्प, कुछ डिस्ट्रेक्स ऑक्साइड्स के कलर यूज़ कर रही हूँ। इनको यूज़ करने के लिए मैं ये एप्लीकेटर्स यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 3-4 कलर्स यूज़ करे हैं, पिंक, ऑरेंज और येलो शेड में। आई विल शेयर ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक इट देयर। यहाँ पे मैं वॉन लिपस्टिक, कोरल रेड, मस्टर्ड सीड एंड पिक्ड रसबेरी शेड्स यूज़ कर रही हूँ। सभी कलर्स को अच्छे से मर्ज होने तक ब्लेंड करेंगे। अब हम हार्ट शेप का लव यू और सेंडिंग हग्स वाले क्लियर स्टैम्प से मैसेज स्टैम्प करेंगे हमारे कार्ड पर। इसको स्टैम्प करने के लिए मैं ये आर्काइवल इंक ब्लैक शेड में परमानेंट इंक ले रही हूँ, इसकी हेल्प से मैं स्टैम्प करूँगी। उप्स, ये तो ठीक से स्टैम्प नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इसको हम करेक्ट कर देंगे एक ब्लैक मार्कर से। ना हमारा फोर्थ DIY भी रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दिस वीडियो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।